ग्रामीण क्षेत्र के युवा केवल पशुपालन के क्षेत्र में ही स्वावलंबी नहीं बन रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं, बल्कि वह सरकार की जो कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रशिक्षण की, उनसे भी प्रशिक्षण लेके एक अच्छा खासा रोजगार स्थापित कर रहे हैं और बेरोजगार से रोजगार की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक युवा हमारे साथ अरविंद कुमार यादव हैं, जो कि भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। और अरविंद, जो सरकार की स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उनसे इन्होंने इलेक्ट्रिक में ट्रेनिंग लिया, एसी और फ्रिज तमाकू कूलर बनाने का ट्रेनिंग लिया और आज एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और साथ ही साथ कई लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो ट्रेनिंग लें और एक अच्छी खासी कमाई करें। और इस बीच में हमारे साथ अरविंद भी हैं और अरविंद से जानेंगे उनकी अब तक का सफ़रनामा कि कैसे वो यहाँ पे आए, कैसे उन्होंने रोजगार प्रशिक्षण लिया और कैसे आज एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अरविंद, किसान तक में आपका स्वागत है ना। किसान अरविंद, कहाँ से हैं आप, भोजपुर जिले में कहाँ से हैं? हम सर मूलना चक, मेरा गाँव है चंदवा के पास है मूलना चक। तो यहाँ पर आने का जो सिलसिला हो कि मेरे गांव के अंकल थे तो यहाँ से ट्रेनिंग लिए थे। किस चीज़ में? वो लिए थे पशु मित्र के थे। अच्छा, तो वो बताएं कि RCT है वहाँ पर आप जाइए। तो हम यहाँ पर आए तो फिर हमारा नाम उम लिखवाएं, फिर रजिस्ट्रेशन हो के मेरा क्लास चालू हुआ 4 जनवरी से सी फ्रिज का। एक महीना का था, 8 फरवरी कर जाकर मेरा ख़त्म हुआ था। क्लास बहुत सही ढंग से चला था, एकदम सुबह में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलता था प्रत्येक दिन क्लास। कि आपके घर से कितना दूर था ये? मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर पर डे सर आते थे, एकदम कुहा गिरता था, एकदम धीरे धीरे बाइक, कुहासा था, जाड़ा का समय था, धीरे धीरे बाइक चला कर आना पड़ता था। बहुत संघर्ष किया आने में अकेले, जाड़ा भी था, लेकिन सौ लोग भी पूरा फुर्ती में थे कि यहाँ पर आते हैं। ये बताइए कि जो आप के लिए, तो पहले कहाँ पे आए? अंकल बताए वहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आए, क्या क्या किए यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के, थोड़ा सा वो सारांश में बताइए छोटे से। प्रशिक्षण लिए तो सर यहाँ से हमको दिया गया एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर, इसी का इलेक्ट्रिक में ही। इलेक्ट्रिक में ही आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना था, ये रुचि उसी में थी आपकी? यस, ये मेरा रुचि। क्या थी आपकी पढ़ाई? इंटर 2022 में पास किए। 2022 में इंटर पास किए। ग्रेजुएशन में भी नाम, ग्रेजुएशन में मेरा नाम अब चल रहा है। अच्छा, तो इसके पहले क्या थी यहाँ स्थितियाँ, कैसी थी घर की, क्या स्थिति थी, क्या था? ऐसे घर हम रहते थे तो परेशान ही रहते थे, 2 रुपया 3 रुपया जो भी पैसा कौड़ी का फार्म भरना है, ये चीज़ का वो चीज़ का, परेशान ही रहते थे। घर वाले ताना मारते थे हमको। 12th में ही ताना मारने लगे? 12th में ही, इतना हम लोग घर की स्थिति खराब था। अच्छा, इधर से देखिए। हाँ, घर के क्या पिताजी क्या करते? पिताजी मेरे किसान हैं, किसान हैं, घर खेती करते हैं। कितने भाई लोग हैं आप लोग? हम 2 भाई 2 बहन। अच्छा, तो आप बड़े थे? हम बड़े थे। अच्छा, तो क्या ताना में क्या मारते थे? क्या ताना में कि सब मतलब कि लड़का दौड़े जाता रहा, संतहारा दौड़े नहीं जाए के, नौकरी होता फलनवा के, तो हम कहें कि हमारा नौकरी में मन नहीं लग रहा है, हमको अपना नौकरी करना है, खुद हम नौकरी करेंगे अपना मन का। तो यहाँ पर RCT में, और हम अभी आरा में काम कर रहे हैं, आरा में काम कर रहे हैं इसे ट्रेनिंग लेने के बाद। बहुत यहाँ पे जो आए ग्रामीण जो स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पे, वो यहाँ पे डायरेक्ट आए, तो यहाँ पे क्या क्या आपको देना पड़ा, क्या क्या की मांग हुई, कैसे होती है? एक दूसरा भी अगर साथी करना चाहते तो क्या क्या उसको जरूरत होगी, जो आपने पूरा मतलब? यहाँ पर पढ़ाई का डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उम्र 18+ होना चाहिए, बस पढ़ाई का डॉक्यूमेंट्स और उम्र 18 साल, फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, बाहर और भी ट्रेनिंग वेनिंग लेते हैं? बाहर में जो आपका 15 से 20 हज़ार पटना में लगता है, पटना हम गए थे ट्रेनिंग लेने, पटना में सगुना मोटर 2 कदम आगे 15 से 20 हज़ार रुपया लगता है, 6 महीना का चार्ज होता है एसी फ्रिज का, मात्र एसी और फ्रिज। यहाँ पर तो हम 4-5 चीज सीख लिए, एसी, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, पंखा उंखा, फ्री, एकदम फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर खाना वाना सब मिलता है, ये सब कुछ मिलता है, सब कुछ वहाँ मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट। 15-20 हज़ार गए थे तो 15-20 हज़ार रुपया डिमांड मांगा, 6 महीना के ट्रेनिंग देता। हम यहाँ पर 1 महीना में सीखे और आराम में भी काम कर रहे हैं। रीगल होटल में हम 70 AC के वास किए हैं हम लोग। अच्छा। 70 AC का रीगल होटल में शहीद भवन के पास जो सेठ जी का है उसमें हम लोग। कितना 1 AC का कितना लेते हैं वास कराई? एक AC का हम लोग 1,000 साफ कराए। अच्छा, तो 70,000 तो ऐसे ही कमा लिया? तो हमको नहीं ना मिला, मालिक को मिला। आपको कितना मिला? हमको प्रत्येक दिन का देता था 400-500, 400-450 रुपये, ऊपर झपड़ मिलता था। 400-500 में दागी नहीं लगता था। अभी भी कितना था? 15-20 हज़ार अभी 15 से 20 हज़ार के कमा लेते हैं। क्या क्या करते हैं आप इलेक्ट्रिक में, क्या क्या सीखे? इलेक्ट्रिक में जो AC हो गया, AC का आउटडोर इनडोर दोनों वास करते हैं हम लोग, रिपेयरिंग भी जो रहता है तो करते हैं,
एसी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का। अच्छा, तो अभी आप अपने अपना कुछ खोलना चाहेंगे, सोच रहे हैं या क्या है? तो अभी उतना मेरे पास पूंजी नहीं है, पिताजी के पास पूंजी नहीं है। बैंक मदद भी करती है? हाँ, बैंक मदद करता है, यहाँ से हम पढ़ाई किए हैं तो सर्टिफिकेट है, तो थोड़ा सोच रहे हैं कि और मेरा नाम उम हो जाए शहर में और थोड़ा परिपक्व हो जाए हम। थोड़ा रुके हैं, थोड़ा उम्र भी कम है मेरा। और तो और दोस्तों के लिए क्या कहेंगे, और साथियों के लिए? और दोस्तों साथियों के लिए हम तो प्रेरित करते हैं कि आप जाइए, आरसीटी से जुड़िए अपने। हम जहाँ जाते हैं तो कहते हैं, यहाँ के संस्था के बारे में बताते हैं सभी लोगों को कि आप लोग जाइए, वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए, सही है, ट्रेनिंग लीजिएगा। तो बहुत लड़काएँ भी, ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ में ट्रेनिंग लेंगे, बहुत सारा यहाँ पर है, पशु मित्र है, मुर्गी फार्म का है, सबका है, बहुत चीज़ का है। आप अपना इसी का कारोबार देख? हाँ, हमको इसी में अच्छा लगता था शुरू से ही। तो यहाँ पे आए तो अब पिता, आप घर वाले क्या बोलते हैं? अब घर वाले सब कोई खुश हैं, सब कोई खुश हैं। खुश है महीना? हाँ। तो पैसा अपने रखते हैं कि दे देते पिताजी? ना, सब पिताजी का भी देते हैं। तो महीने पे हैं आप वहाँ? महीने पे हैं, 15 से 20 हज़ार महीने। पहले कुछ नहीं मिलता? पहले कुछ नहीं मिलता था। एक महीना हम तो फ्री में उनके यहाँ काम किए थे, केवल 50 रुपया प्रत्येक दिन का मिलता था नाश्ता का। आप फ्री में एक महीना काम किए हैं, वो मेरे काम से खुश हैं, तब मेरा महीना बनाया है, डायरेक्ट जाते जाते नहीं बनाया है। एक महीना फ्री अपना हम वहाँ पर योगदान दिए हैं, ट्रेनिंग वहाँ दिए हैं, यहाँ से सीखने के बाद एक महीना खटे उसके अंदर में फ्री में 50 रुपये नाश्ता के लिए देता था केवल, उसके बाद हमको महीना मिला। अच्छा। मेरा काम से खुश हो गया तब दिया, नहीं तो नहीं देता। तो आप मानते हैं कि ये सही, आपको सही है? मिला तो आपके लिए यहाँ से आरसीटी से प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत सारे मेरे दोस्त पटना में भी काम कर रहे हैं, पटना में काम कर रहे हैं। अच्छा। कुछ बिहिया के थे तो अपन बिहिया वहाँ पर चट्टी टाइप का बाजार है, वहाँ पर भी दुकान खोले हैं। एक मेरा आखगाँव बाजार खोला है दोस्त, नीरज नाम का दोस्त है, आखगाँव बाजार खोला है, इसी का खोलते हैं ये, इसी का। जी हाँ, ये थे अरविंद यादव, और बड़ा ही खुले मन से और पूरी कहानी और जर्नी बताई कि कैसे ये यहाँ पे आए, क्या लिए, और आज 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये है नीरज के, ये है अरविंद की कहानी। और ऐसे ही ना जाने कितने अरविंद हैं जो सरकार की जो कई तरह की योजनाएं हैं, जिनको लगन और मेहनत से इन्होंने प्रशिक्षण लिया, जानकारी लिया, और आज एक बेहतर ग्रामीण क्षेत्र में रह के भी एक ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं। तो वैसे भी युवा साथी जो 18 वर्ष से ज़्यादा हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो भी जाके सरकार की जो कई तरह की योजनाएं हैं उनमें से ग्रामीण स्वरोजगार जो प्रशिक्षण संस्थान है वो भी, उसमें भी एक भूमिका है, तो उसमें भी जा सकते हैं। और भी कई तरह के स्किल के जुड़े हुए सरकार का कार्य कर रहा है, उसमें भी आप जाइए और एक अच्छा खासा ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग के बाद खुद आत्मनिर्भर बनिए और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते रहिए। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान तक खाना है तो उगाना है।